हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन फैक्टर के बारे में। रिडक्शन फैक्टर कहाँ पर यूटिलाइज होगा? बोल्ट कनेक्शन करने में, जब हम बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। तो कैसा क्या कंडीशन क्रिएट होता है जिसमें हमको फैक्टर कितना रिड्यूस करना है उसके लिए हमें जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन से कंडीशन में अप्लाई होते हैं रिडक्शन फैक्टर? अप्लाई होते हैं शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, यानी कि जब बोल्ट का हम लोग शियर कैपेसिटी निकालते हैं, यानी शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन बन जाते हैं जहाँ पर हमें चीज़ों को कम करना पड़ता है, ठीक है, रिड्यूस करना पड़ता है एक फैक्टर से। उस फैक्टर को रिडक्शन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जो कि तीन केस ये जनरेट होते हैं, तीन तरह के केस बनते हैं। पहला केस बनता है लॉन्ग ज्वाइंट का, जब आपका ज्वाइंट जो है लॉन्ग हो। दूसरा केस बनता है जब लार्ज ग्रिप लेंथ का हो। तीसरा केस बनता है जब पैकिंग प्लेट का केस हो जाए। और तीनों ही होता है, सिर्फ किस में? तीनों ही होगा आपको बोल्टेड कनेक्शन में, रिविटेड में नहीं होता है। ये क्यों होता है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। तो रिडक्शन फैक्टर एक फैक्टर है जो कि शियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को रिड्यूस करता है। किन केसों में रिड्यूस करता है? तो तीन केस है। पहला केस लॉन्ग ज्वाइंट का केस, दूसरा लार्ज ग्रिप लेंथ का केस, तीसरा है पैकिंग प्लेट का केस में। होता क्या है लॉन्ग ज्वाइंट कि जब, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि दो प्लेट है, लेफ्ट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, इसमें दो बोल्ट का रो लगा हुआ है। एक रो में दो से ज़्यादा बोल्ट पॉसिबल है। तो जब दो से ज़्यादा बोल्ट पॉसिबल हों, जब ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर उस रो में दो से ज़्यादा बोल्ट लगे हों और दो बोल्ट के बीच में, यानी कि कनेक्शन जो है फर्स्ट और लास्ट रो में डिफरेंस जो है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी डिस्टेंस है, वो 15 टाइम्स ऑफ डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर बोल्ट से ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन 15D हो, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है फर्स्ट और लास्ट रो ऑफ बोल्ट का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, वो 15 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर बोल्ट से ग्रेटर हो जाए, तब ऐसे केस में हमको जो शियरिंग कैपेसिटी आया हुआ है बोल्ट का, उसमें हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना से रिड्यूस करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये रिड्यूस कर, बीटा आई जे इक्वल टू 1-0.75 माइनस एल जे डिवाइडेड बाई 200 माइनस डी, 200 इंटू में डी, ठीक है। जहाँ पर एल जे क्या होता है? तो एल जे है इसका में ग्रिप लेंथ, ग्रिप लेंथ में आगे बताऊँगा क्या होता है। तो उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे। ये वैल्यू होगा 0.75 से 1 के बीच में ये वैल्यू आता है। ये हो गया पहले केस की बात। बात कर लेते हैं दूसरा केस यानी कि लार्ज ग्रिप लेंथ हो। लार्ज ग्रिप लेंथ का मतलब कि देखिए, ये प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, पहला प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है ग्रिप लेंथ। इसको हम लोग एल जी से डिनोट करते हैं। जब ये बढ़ जाए, कितना से बढ़ जाए, यानी कि नॉर्मल केस में ये एल जी 5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी भी केस में आप कैसा भी कनेक्शन कर रहे हो, उस केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 times of D। इन नो केस एल जी कभी भी एक्सीड इससे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका कनेक्शन ऐसा कनेक्शन बन जाए जहाँ पर ये जो ग्रिप लेंथ है एल जी की वैल्यू, यानी कि थिकनेस ऑफ अपर और लोअर प्लेट का जो थिकनेस है, ये एक्सीड कर जाए 5 times of nominal diameter ऑफ बोल्ट, तब उस केस में हमें शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को रिड्यूस करना पड़ता है। कितना से रिड्यूस करेंगे? तो बी ऑफ कैपिटल एल जी 8D डिवाइड बाई 3D प्लस एल जी, जहाँ एल जी हो गया क्या आपका ये ग्रिप लेंथ, डी हो गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर, प्लेट का नहीं, प्लेट का होल डायर नहीं रखना है, यहाँ रखना है बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर। ये हो गया आपका ग्रिप लेंथ के लिए रिडक्शन फैक्टर। तीसरा होता है पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर। तो पैकिंग प्लेट होता क्या है? देखिए, पहला प्लेट हमारे पास ये है, प्लेट नंबर 1, और दूसरा प्लेट है प्लेट नंबर 2। इन दोनों का थिकनेस जो है इक्वल नहीं है, तो इसकी थिकनेस को बराबर करने के लिए एक अलग से प्लेट नंबर 3 यहाँ पर लाया गया। इस प्लेट नंबर 3 को कहा जाता है पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट का थिकनेस हमेशा ही याद रखेंगे, पैकिंग प्लेट का थिकनेस सबसे कम होता है, तीनों प्लेट में सबसे कम होता है, जो कि जिसको हम लोग एडजस्ट करते हैं तो उस एरिया को, फिर जो खाली एरिया उसको फिल करने के लिए। चलिए पैकिंग प्लेट को हम अलग शेडिंग कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा ये शेडेड जो प्लेट है ये पैकिंग प्लेट है, ठीक है। तो इस प्लेट को कहा गया पैकिंग प्लेट। तो पैकिंग प्लेट जहाँ पर लगा हो उस केस में भी हमको करना पड़ता है रिड्यूस। क्या रिड्यूस करेंगे? शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को। और ये तब करेंगे, पैकिंग प्लेट हमको अलाउ कितना करना है एज पर आईएस 800 2007, तो पैकिंग प्लेट का जो थिकनेस है वो 6 mm तक हम अलाउ करते हैं।
जब 6 mm से ग्रेटर हो जाता है थिकनेस, तब हमें रिड्यूस करना पड़ता है। कितना से रिड्यूस करेंगे? तो बीटा ऑफ पी के 1 - 0.0125 टी पी के, जहाँ टी पी के है थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। याद रखेंगे जब ये 6 mm से ज़्यादा होगा तब हम इसका यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये थे तीन रिडक्शन फैक्टर, तीन टाइप के रिडक्शन फैक्टर। पहला आ गया लॉन्ग ज्वाइंट का, दूसरा लार्ज ग्रिप लेंथ, एंड तीसरा हो गया पैकिंग प्लेट का। इन तीनों रिडक्शन फैक्टर के हेल्प से जैसा भी कंडीशन बनेगा, या तो लॉन्ग ज्वाइंट का कंडीशन बनेगा, लॉन्ग ज्वाइंट मतलब कनेक्शन का फर्स्ट और लास्ट बोल्ट रो के बीच का डिस्टेंस जो होगा 15 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर से ज़्यादा हो जाए, तब हम इसका यूज करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 0.7 से 1 के बीच में, 0.75 से 1 के बीच में। तो ये शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को उस रिडक्शन फैक्टर से रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा है लार्ज ग्रिप लेंथ, ये जो ग्रिप लेंथ है ये 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर नॉमिनल डायमीटर बोल्ट होल्स बोल्ट से ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एसिड करता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसमें रिड्यूस करेंगे। कितना से रिड्यूस करेंगे ये फॉर्मूला से हमें बताएगा बी एल जे की वैल्यू। एंड पैकिंग प्लेट बना, पैकिंग प्लेट में 6 mm से ज़्यादा का अगर पैकिंग प्लेट यूज कर रहे हैं तो हमको वहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर एग्जाम्पल के साथ में।